हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में वन मार्क्स एंड द एमसीक्यू वन मार्क्स से एंड द वन मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो हम लोगों ने अटेम्प्ट कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टू मार्क्स के लिए, और टू मार्क्स के लिए हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर द टू मार्क्स। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, एक्सप्लेन अरिल हैलाइड अरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्किल हैलाइड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गाइज, अगर हम लोग अराइल हैलाइड्स एंड द अल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम लोग तो ये होता है अराइल हैलाइड का स्ट्रक्चर, अराइल हैलाइड, और ये हमारा अल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर CH3CH2X। अगर हम लोग अल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं अराइल हैलाइड की तो यहाँ पे होता है रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, तो रेजोनेंस इफेक्ट होने क्या वाला है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सीएल के ऊपर कौन प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर, तो लोन पेयर एंड द डबल बॉन्ड, इन दोनों में क्या होने वाला है, कॉन्जुगेशन है। क्यों? क्योंकि अगर डबल सिंगल बॉन्डिंग है तो वो किस में जाता है, कॉन्जुगेशन में जाता है। तो कॉन्जुगेशन में जाने के कारण यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर रेजोनेंस ऑकर्ड होने वाला है। रेजोनेंस की कंडीशन ही है डबल सिंगल, लोन पेयर है, सिंगल है, डबल बॉन्ड है, गया वो कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका मिलने वाला है हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बाद में देखते हैं, अब सबसे पहले देखेंगे इसके रीजन क्या है और लिखेंगे कैसा। टू मार्क्स के लिए है तो फोर पॉइंट्स तो मस्ट है, हो सके तो ज्यादा लिखना, नहीं तो टू पॉइंट्स भी सफिशिएंट है, पर वो परफेक्ट होने चाहिए। हाँ, तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट एंड sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम अटैचेस टू द हैलोजन एटम। अब इसका रीजन भी देखेंगे क्यों ऐसा होता है, एंड सेकंड पॉइंट हम लोगों को देना पड़ेगा, इन अराइल हैलाइड्स क्या होता है, इन अराइल हैलाइड्स द वन लोन पेयर ऑफ द हैलोजन एटम undergoes conjugation with pi electron किसका होगा, यहाँ पे pi electron of the ring, so due to the resonance the CX bond क्या contain करेगा, partial double bond and thus CX bond in aryl halide stronger and shorter than alkyl halide. So the see the difficulties in the breaking
ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन एरिल हैलाइड। अब देखो ये डिफिकल्टी कैसे ऑकर्ड होती है। हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक हेलो अरिंस सी एल। हैलोजन के ऊपर क्या होते हैं गाइस, लोन पेयर होते हैं। अब देखो लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है। ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होते, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है डबल बॉन्ड सी एल। क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड सी एल। यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा। देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा डबल बॉन्ड सी एल। सी एल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस? पॉजिटिव चार्ज। और देन और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड। उसके बाद अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये फिर से यहाँ पे ट्रांसफर, ये वाला इधर। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड सी एल पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं तो ये इधर और ये इधर। तो सी एल फिर से हम लोगों का एज इट इज जैसे का वैसा और ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को कौन से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं गाइस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम लोग देख रहे हैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा मिलते उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होती है। तो क्या है, एरिल हैलाइड एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, उसी के साथ साथ ये जो कार्बन है उसका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ये दो स्टेट होने के कारण एंड उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ। सी एक्स में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो ब्रेक करना इम्पॉसिबल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिविटी शो करता है हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। और अल्किल हैलाइड में क्या होता है, इजिली वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, थोड़ा सा लोअर है वो। ये रीज़न होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव दैन द अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? बॉन्ड भी क्या होता है गाइस, छोटा होता है। अगर तुम लोग एरिल हैलाइड के बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो इसका होता है 169 पिकोमीटर एंड इसका होता है 178 पीएम, दैट इज अ पिकोमीटर। तो डिफरेंसेस है, देखो इसका ज़्यादा है इसका कम है। शॉर्ट होने के कारण भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आप लोगों को नोट्स मिलने वाली है पीडीएफ के फॉर्म में, पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले इसका तो एक स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हैलोरिंस विद द सोडियम मेटल। सेकंड है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हैलोरिंस विथ सोडियम मेटल। सो गाइस अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोगों ने रिएक्शन विद द हैलोरिंस देखा था, ठीक है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पर गिवन है, रिएक्शन ऑफ द हैलोरिंस। रिएक्शन ऑफ द हैलोरिंस में हम लोग एक्टिवेटेड मेटल्स के साथ रिएक्शन करते थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या करते थे, देखो ये एक नेमिंग रिएक्शन है। अगर देखा जाए तो हम लोग लेते हैं हैलोरिंस प्लस हम लोग यहाँ पे लेंगे टू मॉलिक्यूल्स Na के प्लस यहाँ पे हम लोग लेंगे अल्किल हैलाइड। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लेते हैं हम लोग ड्राई इथर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा टोल्यूलिन, दैट इज अ सी एच थ्री प्लस ट्वाइस एन ए बी आर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मिथिल क्लोराइड। और जब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, तब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, टोल्यूलिन। क्या मिलेगा, टोल्यूलिन। तो
ये कौन सी रिएक्शन है गाइज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये एक आप लोगों का आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये कौन सी एक रिएक्शन है? ये रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हम लोग दो, अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक अल्किल हैलाइड ग्रुप लिया, हम लोग दोनों के दोनों अरिल हैलाइड ग्रुप भी ले सकते हैं, चल जाएगा। हाँ, तो देखो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन द अरिल हैलाइड, या फिर इसको हम लोग हैलोअरिन्स भी दे सकते हैं, व्हेन द अरिल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई इथर टू गिव्स द, क्या देगा ये हम लोगों को, टू गिव्स द सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं आर नोन एज, या फिर दिस रिएक्शन आर नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसी को हम लोग कौन से रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है? तो ये है हम लोगों को 2 मार्क्स के लिए, आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो भी, ऐसे के ऐसे जैसे दिया आप लोगों को वैसे भी लिखा ना तो भी आप लोगों को कंफर्म मस्ट 2 मार्क्स आप लोगों को वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, पर एक्यूरेट जैसे क्या वैसा लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम भी देना इंपॉर्टेंट है उसके नीचे। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं। चलो तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है 3rd नंबर का क्वेश्चन, गिव रीजन दो अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर, दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर। मॉडरेटली पोलर है एंड इनसोल्युबल होता है किसके साथ में? तो वाटर के साथ में। अब ऐसा क्यों, रीजन देना हम लोग को। सबसे पहले तो हम लोग अल्किल हैलाइड का देखेंगे मॉडरेटली पोलर क्यों बोला गया। सबसे पहला रीजन है हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है इन अल्किल हैलाइड ग्रुप। सो इन द अल्किल हैलाइड ग्रुप कार्बन अगर है और साइड में कोई भी हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन तो ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो निगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस चीज़ है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे निगेटिव तो होने नहीं वाला क्योंकि हम लोग जानते हैं निगेटिव क्या हो सकता है, रिपेल कर सकते हैं, तो अपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इसी कारण हम लोग बोले इन द अल्किल हैलाइड ग्रुप कार्बन एटम कंटेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एटम कौन सा चार्ज कंटेन करता है गाइस? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाइल द
हैलोजन कंटेन पार्शियल निगेटिव चार्ज. सो इसी के कारण देयरफोर या फिर दो द अल्किल हैलाइड आर मॉडरेटली पोलर. क्लियर है? और इसके नीचे आप लोग ऐसे डायग्राम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो. पॉजिटिव होता है और एक्स क्या होता है गाइस? पार्शियली निगेटिव. उसके बाद और एक सेकंड दिया हम लोगों को जहाँ पे बोला गया है कि यार ये जो अल्किल हैलाइड में कोई भी अगर तुम लोग अल्किल हैलाइड को वाटर में डालते हो तो ये इंसोल्युबल होता है. अब ऐसा क्यों है? तो मेन रिएक्शन क्या होता है? अल्किल हैलाइड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता. किसके साथ? तो वाटर के साथ. क्यों? क्योंकि देखो, एक तो अल्किल हैलाइड है हमारा पोलर, ये हमारा पोलर कंपाउंड या फिर पोलर, ठीक है. अब पोलर है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर निगेटिव है, पोलर मतलब. और हम लोग उसमें डाल रहे हैं H2O में. H2O कैसा है? नॉन पोलर सोलवेंट. सो हम लोग जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी. लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी मतलब क्या? पोलर अगर सोलवेंट है, हमारा पोलर कंपाउंड है, उसको पोलर सोलवेंट में डालना पड़ेगा. उसको हम लोग दूसरे इसमें नहीं ऐड कर सकते. सो ऑब्वियसली सीधे ये पोलर है तो ये सोल्युबल किस में होगा गाइस? पोलर में. अब यहाँ पे नॉन पोलर है, ये कैसा है? H2O इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें वो सोल्युबल नहीं होने वाला. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं करता है वो वहाँ पे, ठीक है. तो इसके कारण क्या होता है? वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. एंड और एक रीज़न क्या है? अगर हम लोगों ने एडिशन कर भी दिया तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन द अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल दैन अल्किल हैलाइड एंड वाटर. यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इन द अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है. और अल्किल हैलाइड और वाटर की अगर बात करते हैं, एक बीकर में मैंने अल्किल हैलाइड एंड वाटर दोनों डाल दिए. डालने के बाद वो दोनों कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हम लोग को शो नहीं कर रहे. और यही रीज़न होने के कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कभी भी अल्किल हैलाइड क्या है, वो किस में सोल्युबल नहीं हो सकता? वाटर में सोल्युबल नहीं हो सकता. वो कैसा है? इनसोल्युबल है इन वाटर. क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग इसका, देन जाते हैं नेक्स्ट. क्लियर है? चलो आगे. नेक्स्ट है हम लोगों का, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द 2-chlorobutane. कितने नंबर का है ये? 4th. एक्सप्लेन the optical activity of 2-chlorobutane. हम लोगों को एक्सप्लेन करना है एक्टिविटी किसकी? 2-chlorobutane की. अगर हम लोग 2-chlorobutane स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 C2H5 H, और यहाँ पे क्या होता है हमारा? C2H5 और Cl. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला है. ऑप्टिकल एक्टिविटी मेनली, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करता है हम लोग को? कायरल कार्बन एटम. तो यहाँ पे क्या है? ये कायरल है. क्यों कायरल बोला गया? क्योंकि एक ही कार्बन एटम को कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है गाइस? 4. 4 डिफरेंट वो स्पिरिचुअल अरेंजमेंट हम लोगों को दे रहा है. एक साइड पे CH3, दूसरे हाइड्रोजन है, C2H5 एंड द Cl. तो ये क्या है? कायरल कार्बन एटम है. कौन सा है? कायरल कार्बन एटम. तो होगा क्या अगर इस कायरल कार्बन के एटम में हम लोगों ने क्या कर दिया? मिरर के सामने अगर इसको हम लोगों ने रख दिया, ये हम लोगों ने लिया मिरर
एंड देन मिरर के सामने हम लोगों ने इसको रख दिया। कायरल कार्बन एटम को हम लोग इस वजह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या देता है हम लोगों को, CH3, इधर आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पे होगा C2H5 एंड H। तो मिरर इमेज तो फॉर्म हो गई। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो बहुत परफेक्टली क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। अब इसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं। अगर हम लोगों ने इसको सुपर इम्पोज किया तो हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, C2H5, यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं CH3, हाइड्रोजन C2H5, और यहाँ पे आएगा हमारा Cl, और यहाँ पे आएगा हमारा Cl। तो बहुत एक ही एटम वहाँ पे क्या हुआ है, सुपर इम्पोज हुआ है। पूरे के पूरे हुए क्या, नहीं हुए। और पूरे के पूरे ना होने के कारण ये हम लोगों को क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द 2-chlorobutane, अगर आप लोगों को बोला गया तो आप लोग सबसे पहले किसकी डेफिनेशन दोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन विच, द स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव द डिफरेंट स्पिरिचुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और द ग्रुप्स अराउंड द चिरल कार्बन एटम आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये कितना नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कंटेन करता है, इट कंटेन 1 कायरल एटम। देन इसका स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट में आप लोग देंगे इसका स्ट्रक्चर। एक है स्ट्रक्चर, सिंपल एक स्ट्रक्चर निकालना, एंड देन उसके बाद मिरर इमेज, और ये सुपर इम्पॉसिबल भी देना, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आप लोग क्या दोगे वहाँ पे, द 2-chlorobutane कैन नॉट सुपर इम्पोज दिस परफेक्टली शोन इन फिगर, ठीक है। और इसी के कारण हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है हम लोगों को, कौन, 2-chlorobutane। समझ में आ गया यहाँ तक के। एक कार्बन आइटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट चारों साइड से उसकी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, हाँ, और डिफरेंट हम लोगों को स्ट्रक्चर भी फॉर्म कराएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, ये 1 कायरल आइटम को क्या करता है, कंटेन करता है ये स्ट्रक्चर, एंड देन सुपर इम्पोज वाली इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट अगर आप लोग प्रॉपरली लिखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कवरिंग हो जाएंगे मार्क्स की, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालूं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, जो कि है फिफ्थ। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अब ये डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, वो पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन 1 by 1 देखेंगे ये पॉइंट्स कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले लेंगे SN1 एंड SN2। फर्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक, ये शो करता है हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर, और ये शो करता है हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर। देन उसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी, ये होता है यूनिमोलिकुलर
और ये होता है बाय मॉलिक्यूलर। देन मॉलिक्यूलरिटी होने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप। यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टेप होती है 2 और यहाँ पे कितने होती है 1। उसके बाद सबस्ट्रेट की अगर बात करते हैं, सबस्ट्रेट तो यहाँ पे होता है मेनली 3 डिग्री अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड और यहाँ पे होता है मेनली 1 डिग्री। चलो 1, 2, 3, 4 टू मार्क्स के लिए 4 तो सफिशिएंट है, पर अगर कहीं पे अगर हमारे मार्क्स कहीं पे रॉन्ग होता है तो एक्स्ट्रा पे 2 लिख के रखना। हो सकता है वहाँ पे वो खुश हो जाए, वो देख के बोल नहीं सकते, तो पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग का परफेक्ट ही चाहिए। देन उसके बाद इंटरमीडिएट की अगर बात करते हैं, इंटरमीडिएट की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और यहाँ पे होता है नो इंटरमीडिएट। देन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। तो इन द SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, ब्रेक होगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है, पर यहाँ पे वैसा कुछ होने वाला है क्या? नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे ब्रेकिंग भी नहीं होंगे और कुछ भी नहीं। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं 1 by 1 कि क्या होने वाला है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग होती है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SN1 का मैकेनिज्म। SN1 में हम लोग लेते हैं CH3 3 times एंड द BR, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, ये 3 डिग्री टर्शरी प्रोडक्ट। कैसा लेते हैं हम लोग, टर्शरी लेते हैं। यहाँ पे देखो CH3 CH3 एंड CH3, CBR CBR बॉन्ड को अगर 3 alkyl halide ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। तो यहाँ पे तो 3 डिग्री वाला एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लस हम लोग क्या लेंगे, OH, इट विल गिव यू द CH3 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 OH + BR- मिलने वाला है। पर इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो अभी है कि ये आप लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, सबसे पहले तो ये जो CH3 CH3 एंड BR जो हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकटायन, ठीक है, CH3 और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस BR, यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देन उस कार्बोकटायन के ऊपर गाइस क्या होगा, उस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक कौन करेगा, OH। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा CH3 CH3 3 times COH, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे मिली है हम लोगों को, ये देखो अब इसके थ्रू तुम लोग कैसा लिख सकते हो, ये डिपेंड किसके ऊपर है, इसके ऊपर रिएक्टेंट स्पेसिस के ऊपर, इसके ऊपर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, रिएक्टेंट के ऊपर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिपेंड किसके ऊपर है, कि रिएक्टेंट स्पेसिस के ऊपर। तो इसका काइनेटिक रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट के ऊपर। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 कैसे होती है, सेकंड ऑर्डर, वो भी देखेंगे हम लोग। SN2 का जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं रिएक्शन SN2 की, जो कि होती है CH3 BR + OH। यहाँ पे देखो कैसे मिलता है हम लोगों को CHHH, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे CH3, एक साइड पे होगा BR जो कि पार्शियली अटैच होगा और एक साइड पे होगा OH, पार्शियली अटैचमेंट है। एंड देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते हुए हम लोगों को मिलेगा CH3 OH। देखो यहाँ पे दोनों के ऊपर डिपेंड है, रेट ऑफ द रिएक्शन आर डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट, इसके कारण हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर एंड द बायोमोलिकुलर। देखो गाइस हम लोग को इसके पहले जो बेसिक था वो हो चुका है, हम लोगों ने चैप्टर देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को आंसर कैसे लिखने वो और उसके आंसर क्या होंगे और थोड़ा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगी। तो थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है, आप लोग
धीरे, नहीं तो फिर आप फिर से एक बार रिवाइंड करके उसको देख सकते हो. तो CH3Br एंड द OH, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, दोनों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, दोनों के ऊपर. सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, बायोमोलिकुलर होगा. नंबर ऑफ द स्टेप देखो यहाँ पे, मैकेनिज्म में हम लोगों को दो स्टेप मिले, ये फर्स्ट है ये सेकंड है. यहाँ पे कितना है, वन स्टेप में रिएक्शन कैरिड आउट होगी. यहाँ पे हम लोगों ने SN1 में क्या लिया था, देखो टर्शरी, टर्शरी लिया है. SN2 में हम लोग क्या लेते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड. इंटरमीडिएट यहाँ पे SN1 में हम लोगों को ये इंटरमीडिएट मिला, ये इंटरमीडिएट मिला. यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है क्या, नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता. और SN1 में क्या होता है, फर्स्ट देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बोकटायन बनाया, देन कार्बोकटायन ने अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड मेक हुआ. पर यहाँ पे दोनों चीज़ें कैसे साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में सारी चीज़ें ऑकर्ड हो चुकी है. क्लियर? सो यहाँ पे हम लोगों का SN1 एंड SN2 डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोगों को इतने भी अगर आप लोगों ने पॉइंट लिखे परफेक्टली तो भी मार्क्स मिल जाते हैं. तो SN1 SN2 क्लियर हो गया. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, लेकिन उसके पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो. तो चलिए गाइज आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड एक्सप्लेन द प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड शोज higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halide. अब देखो क्या है, बेंजीलिक हैलाइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एज द इंटरमीडिएट. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, एक्सप्लेन द प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड शोज द हायर रिएक्टिविटी बाय द SN1 मैकेनिज्म दैन द अदर प्राइमरी अल्किल हैलाइड. तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है कि प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड, तो सबसे पहले तो प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इस वे से, CH2 और X, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड. और अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड मतलब हम लोग जानते हैं CH3CH2X, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड. सो होगा क्या, इन द SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एज अ इंटरमीडिएट. हम लोग जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटायन एज अ इंटरमीडिएट क्या होता है, फॉर्म होता है. और सेम कार्बोकटायन अगर हम लोग बेंजीलिक हैलाइड की बात करते हैं, सो इन द बेंजीलिक हैलाइड gives stable benzyl carbocation. So benzylic halide gives the stable benzyl carbocation
कार्बो कटायन, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। और यही रीजन होने के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि प्राइमरी बेंजैलिक हैलाइड ये क्या करता है, हम लोग को SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्किल हैलाइड। जैसे कि हम लोग अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं इसका, जो कि है यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। देखो ऐसा लिखते हैं हम, तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, हम लोग को मिलेगा ऐसा कंपाउंड दैट इज़ अ डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे होगा बॉन्ड, यहाँ पे होगा बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करने के बाद। देन फिर से ये वाला इधर जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बढ़ते जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। देन फिर से नेक्स्ट इसमें डबल बॉन्ड है ये, और देन उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 ये फिर से इधर शिफ्ट और ये वाला इधर चला जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे डबल और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होते ही देखो यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, ऐसा ऐसा और यहाँ पे और फिर से ये CH2। तो देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस है। सबसे ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी कौन शो करता है हम लोग को, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस के थ्रू जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोग को जल्दी से मिलेगा, इसलिए प्राइमरी बेंजैलिक हैलाइड शोज द हायर रिएक्टिविटी बाय द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये हम लोग को हायर रिएक्टिविटी शो करता है। क्लियर? सो गाइज यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, कल हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स एंड देन उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क्स के। 2 दिन में हम लोग का हैलोजन डेरिवेटिव खत्म होते हैं, हम लोग अल्कोहल फिनॉल रहते हैं, पहले ऑर्गेनिक की सीरीज खत्म कर लेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलेगा एंड देन हम लोग जाएंगे बाकी सारे सब्जेक्ट की तरफ, मतलब बाकी फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक की तरफ। हो सकता है गाइज कल हम लोगों का लाइव वीडियो हो, लाइव सेक्शन हम लोग ले सकते हैं और 3 मार्क्स के लिए हम लोग लाइव सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप लोग भी आपके डाउट्स क्लियरली वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू सो मच।